प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसंबर को लेंगे शपथ, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद बुधवार को साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों की आने की संभावना की जा रही है। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के चौक चौबंद कर इंतजाम कर रखा है। IG रतन लाल डांगी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर साइंस कॉलेज मैदान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 1000 पुलिस बल की तैनाती होगी। इसमें राजपत्रित अफसरों के अलावा भारतीय पुलिस सेवा के अफसर शामिल रहेंगे। विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए आम लोगों को किसी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की जो है शपथ ग्रहण समारोह आने का जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में जो फोर्स को तैनात किया गया है और इस पूरे कार्यक्रम की जो सुरक्षा जो व्यवस्था के लिए एक ADG स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया, साथ ही 4 IG स्तर के अधिकारी भी तैनात किए गए और इस कार्यक्रम के साथ साथ शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखते हुए काफ़ी जो मैनेजमेंट किया गया और दूर दूर से काफ़ी संख्या में जो भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक की जो है वो भी व्यवस्था की गई है। नव निर्वाचित विधायक OP चौधरी ने शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना गया है। अब वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए प्रदेश भर से 50,000 कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य प्रदेशों के मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है और हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो हमारी भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है उसके अनुसार आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे साइंस कॉलेज ग्राउंड पर और इसकी भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं और 50,000 से अधिक लोगों के यहाँ पर उपस्थित होने का अनुमान है और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडिया जी, नितिन नवीन जी जैसे सभी प्रमुख लोगों को यहाँ पर निवेदन किया गया है। अभी कन्फर्मेशन आना बाकी है और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। थैंक यू। गौरतलब है, साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बुधवार दोपहर 2 बजे निर्धारित है। शपथ ग्रहण को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती सुबह से कर दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आने वाले को माचिस, सिगरेट लाइटर ले जाने पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, रायपुर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।